अभी जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास एक बेबी का स्टूल सैंपल रिसीव हुआ है और इसका माइक्रोस्कोपी करना है, क्योंकि बेबी को जो हिस्ट्री है उसमें यह है कि बेबी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है और उसके दांत निकल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कभी भी देखना, अगर जो स्टूल सैंपल होगा अगर आपका लिक्विड फॉर्म में अगर होता है तो उसमें हमको नॉर्मल सलाइन से डायलूशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लेके देख सकते हो। तो मैं इस सैंपल को डायरेक्ट वन ड्रॉप लेने वाला हूँ, माइक्रोस्कोप पर चेक करने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं इस स्टूल सैंपल को पहले मैं ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वन ड्रॉप हमने स्टूल सैंपल को ले लिया है। ठीक, लेने के बाद से ये दो तरह से टेस्ट किया जाता है, एक तो स्टूल सैंपल हम डायरेक्ट ले लेंगे या दूसरा हमको यह टेस्ट करने के लिए हमें लूगस आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वन ड्रॉप लूगस आयोडीन लेंगे या फिर वन ड्रॉप स्टूल सैंपल लेंगे, मिक्स करेंगे और फिर उस पर भी देखेंगे इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये आपको वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले लूगस आयोडीन जो है उसको हम वन ड्रॉप तक लूगस आयोडीन को पहले हम ले लेते हैं। तो चलिए मैं लूगस आयोडीन को ये ड्रॉपर की सहायता से देख सकते हैं कैसे कलर का दिखता है। यहाँ पे हम वन ड्रॉप ले लिया, ठीक है। अब हम लेने के बाद से क्या करेंगे, जो ये वन ड्रॉप जो ये लिया है ना, ये स्टूल सैंपल थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें से ही हम थोड़ा सा लेके यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे, इसको ऐसे जेंटली आराम आराम से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे। तो ये कवर स्लिप है हमारे पास और हम इन दोनों पे एक एक कवर स्लिप रखेंगे, जैसे कि ये पॉलीस्टूल पे और ये हमारा लूगस आयोडीन पे हम इस पर रख लेंगे। अब हम इसको 40x पे फोकस करेंगे और 40x पे फोकस करके हम इस पर देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है। तो देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप है और हमने यहाँ पे स्टेज पे रख दिया और हम 40x पे इसको फोकस करेंगे, ठीक है। ये मैंने लगाया, अब आपको मैं दिखा दूँ कि ये 40x है, 40x पे हम चालू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये 40x पे है, ठीक है। ये सारे स्टूल के पार्टिकल देख रहे हैं कुछ इसमें, और यहाँ पे मुझे एक हॉकवॉर्म दिख रहा है। हॉकवॉर्म कैसे दिखता है, कुछ बैक्टीरियल भी दिख रहे हैं जो कि हम लूगस आयोडीन जो होता है उससे बहुत ही क्लियर दिख सकता है, ठीक है। तो हॉकवॉर्म क्यों होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, या कोई बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में हॉकवॉर्म के जो एग होते हैं वो पाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको लूगस आयोडीन का जो स्लाइड होता है उस पर मैं दिखाता हूँ, उस पर हॉकवॉर्म आपको और क्लियर तरीके से दिखेगा। तो अभी आप देख रहे हैं सेम सैंपल को मैंने आयोडीन पे लिया, तो हॉकवॉर्म आपको कैसे दिख रहा है, देख रहे हैं एकदम अलग कलर का। तो ये फ़ायदा होता है हॉकवॉर्म, मतलब हमको आयोडीन यूज करने के लिए, देख सकते हैं दिस इज अ हॉकवॉर्म। हॉकवॉर्म एक होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से खाना पच नहीं जाता और लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें सहायता मिलता है ये चेक करने के लिए। तो आप भी इस तरह से स्टूल का सैंपल चेक कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं हॉकवॉर्म एक है ये, जो कि कैसे दिख रहे हैं देख सकते हैं, और फिर आप खुद पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि स्टूल कैसे हम चेक करते हैं, लूगस आयोडीन का यूजेस क्या होता है।